हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम वायरिंग करने वाले हैं, वायरिंग सीखने वाले हैं। गोदाम में जो हम कनेक्शन करते हैं बल्ब वगैरह का, तो उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, आज की वीडियो में इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं सिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पाओगे, मैंने एक फिगर इस तरह से ऐसे ही यूं ही ड्रॉ किया। तो जैसे कि जस्ट लाइक मान लो ये एक गोदाम है, ठीक है। उस गोदाम में चार बल्ब देख रहे हो, डोर है, दरवाज़ा है। यहाँ से कोई इंसान आया तो यहाँ पर एक स्विच दबाएगा। तो स्विच दबाने के बाद क्या है, यहाँ पे ये एक बल्ब जलेगा, ये एक बल्ब जलेगा और वो आगे गया बल्ब को बंद करने के लिए। वापस तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्या क्या करेगा, यहाँ पे एक स्विच दबाएगा। यहाँ पे स्विच दबाने के बाद क्या होगा, ये जो बल्ब है ये बंद हो जाएगा और ये बल्ब जो है वो फिर से चालू हो जाएगा। मतलब पीछे का बल्ब बंद हो रहा है और आगे का बल्ब चालू हो रहा है एक ही स्विच दबाने से। और वो और आगे निकला, यहाँ से और आगे गया, फिर यहाँ पे जो स्विच था उसको दबा दिया, इसको दबाया तो ये बल्ब बंद हो गया और आगे का जो बल्ब है वो चालू हो गया। मतलब एक ही स्विच दबाने से पीछे का बल्ब बंद हो रहा है और आगे का जो बल्ब है वो चालू हो जा रहा है। फिर और आगे गया तो यहाँ का स्विच दबाया तो ये बंद हो गया और ये चालू हो गया। अब मान लो उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या करेगा, यहाँ से स्विच दबा के इसको बंद करके वापस चला जाएगा। लेकिन अगर उसे वापस नहीं जाना है, वापस इसको रिटर्न आना है, देन क्या करेगा, यहाँ ये जो बल्ब जल रहा था तो वापस ये स्विच दबाएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा फिर से। फिर वो और आगे आया तो और यहाँ पर ये स्विच दबाया तो ये बंद हो गया और ये चालू हो गया। फिर वो और आगे गया फिर ये दबा दिया, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। उसी तरह आगे गया, ये दबा दिया तो ये बंद हो गया और वो बाहर निकल गया। तो कुछ इसी तरह का वायरिंग होता है जो गोदाम वगैरह, फैक्ट्री वगैरह या फिर कोई भी इंडस्ट्री में इसी तरह का वायरिंग यूज करते हैं। तो किस तरह से हम इसका वायरिंग कनेक्शन करते हैं स्विच वगैरह का, तो आज की वीडियो में इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल हम करके देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो जैसे कि मैंने क्या किया, ये टू वे स्विच लिया है। आपको मैंने ऑलरेडी टू वे स्विच का कनेक्शन बताया है, बहुत सारे वीडियो इसके रिलेटेड मैंने अपलोड किया। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, मैं अलग से उसका प्लेलिस्ट बना रखा हूँ टू वे स्विच का, आप उसमें से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। मैंने 6 अलग अलग तरीके से टू वे स्विच का कनेक्शन बेड स्विच पर यूज़ करने के लिए बताया है। तो फिलहाल हम गोदाम का कनेक्शन के लिए हम टू वे स्विच का ही यूज करेंगे। जिस तरह आपसे देख पा रहे हो यहाँ पे 3 पॉइंट बना है, 1, 2, 3, तो इस तरह से हम 4 स्विच लिए हुए हैं। देख रहे हो आप, सारे स्विच जो है वो टू वे स्विच है। देख रहे हो सारे स्विच जो है वो टू वे स्विच है, मतलब इसमें 3 पोल दिए हुए सब में, और हमने 3 बल्ब लिया है इस तरह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ 4 बल्ब है, तो आप कितना भी बल्ब जोड़ सकते हो सेम कनेक्शन में। जो कनेक्शन मैं बताऊंगा ना, आप 3 जोड़ सकते हो, 2 जोड़ सकते हो, 5 जोड़ सकते हो, 8 जोड़ सकते हो, 10 जितना चाहे उतना जोड़ सकते हो। कनेक्शन प्रोसेस जो वो सेम होगा जो हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ कटा हुआ इस तरह से वायर ले लिए इस तरह से, ताकि इसको हम ज्वाइंट करें इसमें। और एक हमने ये प्लग लिया है, वायर लगा हुआ, और हमने ये वायर स्टिपर से काम तो हालांकि नहीं है, क्योंकि मैंने सारे वायर को हमने छील रखा है, इंसुलेटर हटा रखा है, इसका काम नहीं, इसको साइड का रख देते हैं। हमें काम है ये स्क्रू ड्राइवर का। तो चलो हम कनेक्शन करते हैं फटाफट। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले क्या है, हमें जो स्विच में जो नीचे वाला भाग है, मैंने सबको क्या रखा है, एक साइड जैसा रखा है। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे नाम या देख पा रहे हो, आपको नाम दिख पा रहा होगा, यहाँ भी नाम दिख पा रहा होगा, सबका ऊपर है और IAS मार्क जो है सबका नीचे है। सबको एक जैसा रखना है इस तरह से, सबको सबका नाम ऊपर है और ISI मार्क नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करके रखना है, स्विच को रखना है। अब क्या करना है, बारी बारी से सबसे पहले इधर उल्टा चलेंगे, इस साइड से जोड़ेंगे, तो हम ब्लैक वायर जो है वो ऊपर जोड़ेंगे। तो हम फटाफट कनेक्शन करते हैं, ब्लैक वायर को ऊपर कर लेते हैं यूँ। तो जितने ब्लैक वायर हैं सबको हमें क्या करना है, ऊपर जोड़ लेना है फटाफट। तो इस तरह से हमने यहाँ ब्लैक वायर जोड़ लिया। अब ये ब्लैक वायर जो इसके ऊपर जाएगा इस तरह से, इसमें भी ऊपर देंगे, और इसका भी हम एक ब्लैक वायर लेंगे ताकि इसमें जोड़ने के लिए, ठीक है। तो आप देख लो इस तरह से आपको वायरिंग करना है। तो यहाँ देखो हमने दोनों साइड ब्लैक जोड़ लिया, ये सबका ब्लैक हम क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे कॉमन में, सबको शॉर्ट कर देंगे ब्लैक में इस तरह से। देखो देखो यहाँ पे ब्लैक जोड़ दिया, यहाँ पे ब्लैक जोड़ा, और इसके लिए हम यहाँ पे इसको ब्लैक इस तरह से इनपुट करेंगे, और जो अगला ब्लैक है इस तरह से इसको लगा लेंगे यहाँ पे। देखो ये हमने यहाँ पे इस तरह से ब्लैक लगा लेना है। तो ये कनेक्शन बहुत ईजी है, आप जितना स्विच चाहो उतना स्विच इसमें जोड़ सकते हो। मैं तो 4 ही जोड़, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं 3 ही रखना चाहता हूँ, 3 स्विच रखूँगा तो कितना बल्ब जलेगा, 2 जलेगा। अगर हम 3 बल्ब जलाना है तो 4 स्विच लेना पड़ेगा, अगर 5 बल्ब जलाना है तो 6 स्विच लेना पड़ेगा। मतलब जितने बल्ब रहेंगे उससे एक ज़्यादा स्विच लेना पड़ता है हमें टू वे स्विच।
तो यहाँ पे तीन बल्ब लिया हमने, ये देख पा रहो हमने तीन बल्ब लिया, तो हमें सिर्फ चार टू वे स्विच का कनेक्शन करना है। अगर हम चाहेंगे नहीं सिर्फ दो जलाना चाहते हैं तो तीन में काफ़ी है, तीन में ही काम कर लेते हैं, लेकिन हम तीन जोड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखा पाएँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हो चार स्विच को इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे सबका, और ये जो लास्ट में बचेगा ना तो हम प्लग का जो ब्लैक है उसको जोड़ लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अगर आप टू वे स्विच का वीडियो देखे हो जो मैंने अपलोड किया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये सब कनेक्शन। टू वे स्विच में मैंने इस तरह से कनेक्शन बहुत सारे बताए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। टू वे स्विच को मैंने छः तरीके से अलग अलग तरीके से कनेक्शन करना सिखाया है, कि बेड स्विच में हम जो यूज करते हैं टू वे स्विच से मैंने कनेक्शन करके दिखाया है उसमें। अगर आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो देखो जैसे मैंने कि ब्लैक सबका इस तरह से जोड़ लिया ऊपर, अब नीचे जो है सबका रेड जोड़ लेते हैं इस तरह से, फटाफट इसको कनेक्शन कर लेते हैं। बहुत इजी तरीका है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं भी आप कर सकते हो, जहाँ आप चाहो कि वहाँ पे ढेर सारा कनेक्शन हो इस तरह से, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ड्राइंग में उस तरह से अगर आप चाहते हो कहीं पर अगर जोड़ना तो आप जोड़ सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, आप टू वे स्विच का यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और बता दूं कि जो अगला वीडियो आएगा उसका अगला वीडियो में मैंने ये भी बताना है, जो अभी हॉस्टल होता है वहाँ पे जो वायरिंग होता है किस तरह से होता है, वहाँ जो वायरिंग होता है कुछ अलग तरीके से होता है हॉस्टल वगैरह में, तो उसका वायरिंग में भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला जो पार्ट होगा टू वे स्विच का, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो सारे टू वे स्विच का जितना कनेक्शन है सबका आप देख सकते हो। इस चैनल पे हम सोलर से रिलेटेड वीडियो तो अपलोड करते ही हैं, जितने भी टॉपिक हो सारा कवर करता हूँ मैं सोलर से रिलेटेड, साथ में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी मैं जानकारी देता हूँ ताकि आप खुद से अपना वायरिंग कर सको, कनेक्शन कर सको, हर एक चीज़ का जानकारी रख सको। देखो लास्ट में क्या है, सबको हमने रेड जोड़ लिया नीचे, अब लास्ट में जो बचा हमारा रेड इसको दोनों को इस तरह से यहाँ जोड़ लेंगे नीचे वाले पॉइंट पर। सारा क्या कहें, हमने ऊपर सबका ब्लैक दिया और नीचे सबका रेड दिया, तो इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है। जितना भी आप स्विच देना चाहो सब में जोड़ सकते हो, चार स्विच, दस स्विच, पांच स्विच, जितना। देखो ये वाला कनेक्शन तैयार है, अब हमें क्या करना है, बल्ब का कनेक्शन करना है। तो बल्ब के लिए क्या करना है, सिंपल है, हमने ये कर लिया। अब जहाँ पे आपको खाली दिख रहा है ना, कहाँ खाली दिख रहा है, सबका मिडिल पॉइंट खाली दिख रहा है, दिख रहा है ना, सबका मिडिल पॉइंट खाली दिख रहा है, बीच वाला जो पॉइंट है सबका खाली है, तो हमें इसे बीच वाले पॉइंट में ही जोड़ लेना है इस तरह से। एक हम जोड़ेंगे इस साइड, तो हम इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं फटाफट, सबको मिडिल में जोड़ लेना है यूं। देखो मैंने इसे इस साइड मिडिल में जोड़ दिया। अब एक जो दूसरा बल्ब का दूसरा पॉइंट बचा इसको इस साइड मिडिल में जोड़ लेंगे, लेकिन इसको मिडिल में जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अगला जो बल्ब जोड़ेंगे उसका भी वायर साथ में ले लेंगे हम। देखो अगला जो वायर है ये वाला, इसको भी साथ में लेके हम जोड़ेंगे मिडिल में एक साथ, ताकि हमें दोबारा कनेक्शन ना करना पड़े। इधर से ये वाला वायर डालेंगे इस तरह से, और ऐसे करके बीच में मिडिल में इस तरह से ज्वाइंट कर लेना दोनों साइड का बल्ब को। दोनों साइड के बल्ब को एक ही में स्विच में कनेक्शन करना है यहाँ पे बीच वाले पॉइंट में। लास्ट में देखो कि एक ही जो बल्ब का वायर जुड़ा हुआ है बीच में, यहाँ देखो एक ही वायर जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें दो जुड़ेगा, और आगे है यहाँ भी दो जुड़ेगा, तो यहाँ भी हम दूसरा बल्ब जो है लास्ट तीसरा बल्ब जो है इसका वायरिंग यहाँ कर लेंगे हम इस तरीके से। मैं पहले जोड़ लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कनेक्शन हमने कैसे करा है। बहुत सिंपल कनेक्शन है, आप इसे खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कनेक्शन करते हैं इसका। देखो इस तरह से हमने क्या करना है, तीनों बल्ब को आपस में जोड़ लेना है बीच वाले में। बीच में जोड़ने के बाद क्या होगा, ये कनेक्शन तैयार हो जाएगा। देखो इस बल्ब का ब्लैक एंड रेड है, यहाँ देखो ब्लैक एंड रेड हमने एक जोड़ लिया इस वाले बीच में, यहाँ देखो इस वाले के बीच में जोड़ा इस बल्ब का, दूसरा रेड यहाँ जोड़ा, फिर इसका जो इस पॉइंट बीच वाले पॉइंट पे देखो एक ये गया ब्लैक, इसका जो रेड है इस बल्ब का देखो इस वाले बीच में गया। अब यहाँ से इस वाले बल्ब का हमने क्या किया, यहाँ ब्लैक जोड़ लिया यहाँ, और इसका जो रेड बचा हम इसके बीच में जोड़ेंगे, लास्ट वाले स्टार्टिंग वाले जो स्विच है इसके बीच में जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो दोनों लास्ट वाला पॉइंट बचता है उसमें सिंगल सिंगल पॉइंट जुड़ता है, सिंगल सिंगल बल्ब का पॉइंट जुड़ता है। देखो यहाँ पे सिंगल जुड़ा है और यहाँ भी सिंगल जुड़ा है, लेकिन दोनों में बीच में इधर का भी बल्ब है, 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 दोनों में। ये कनेक्शन तैयार हो गया हमारा, आप कनेक्शन एक बार फिर से देख लो सही से, ये कनेक्शन रेडी है। अब काम कैसे करेगा, काम भी दिखा दूंगा आपको मैं। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ से चलते हैं स्टार्टिंग से, हमने एक प्लग लिया, इस प्लग का जो रेड वायर है हमने सबको नीचे जोड़ लिया, नीचे जोड़ा है और रेड वायर चला गया कहाँ, इसके नीचे,
रेड वायर चला गया, कहाँ, इसके नीचे, रेड वायर कहाँ चला गया, इसके नीचे, सबको शॉर्ट करके नीचे रेड जोड़ लिया और ब्लैक ऊपर है तो सबको शॉर्ट करके ऊपर हमने ब्लैक जोड़ दिया, इस तरह से ऊपर ब्लैक नीचे रेड। अब जो इसका बीच वाला पॉइंट और इसका बीच वाला पॉइंट, इसको लेके हमने एक बल्ब जोड़ दिया और इसका बीच वाला पॉइंट और इसका बीच वाला पॉइंट, दोनों को शॉर्ट करके हमने एक बल्ब जोड़ लिया। अब इसका बीच वाला पॉइंट और इसका बीच वाला पॉइंट, दोनों को हमने जोड़ के एक बल्ब जोड़ लिया। इस तरह से कनेक्शन तैयार है आपका। अब जो है इसको हम लोग टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह स्विच को हम यूँ कर लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम एक ये ले रहे हैं सॉकेट, इस सॉकेट में हम इसको जोड़ लेंगे यूँ। हमने देखो अभी आपको दिख पा रहा होगा, ये कनेक्शन हमने कर लिया, ये दिख रहा है, हाँ आई थिंक दिख रहा है। तो ये देखो इस तरह से ये रहेगा। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देखो इस स्विच, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, मैंने इसमें बताया था किस तरह से करने के लिए। मान लो कि ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर स्विच ये वाला दबा रहे हैं इस तरह से। देखो एक दबाया तो ये वाला बल्ब ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो हमने एक दबाया तो ये वाला ऑन हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद क्या होगा, हम ये दबाएंगे, ये दबाएंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला चालू हो जाएगा। देखो इसको दबाएंगे, देखा आपने, ये बंद हो गया और ये चालू हो गया। और हम और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको दबाते हैं, और आगे इसको दबाएंगे तो ये बंद होकर वो चालू हो जाएगा। देखा आपने, ये चालू हो गया। और आगे आते हैं, और अगर हमको बाहर निकलना है, जैसे मैंने बताया कि क्या इसमें अगर बाहर निकलना है, इसको दबा के बाहर निकलेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखा आपने, इसको दबाया तो ये बंद हो गया, सारा बंद हो गया। अब हमें वापस इधर से वापस आना है, तो हम अगर इधर से आना है या इधर से आएँ, जिधर से चाहे उधर से आएंगे तो उधर का स्विच दबा देंगे। अगर हम इधर से आते हैं तो इधर का स्विच, इधर से आते हैं तो इधर का स्विच, अगर कोई भी दबाएंगे तो पहला वाला इधर का दबाएंगे तो ये जलेगा, इधर का दबाएंगे तो ये जलेगा। ठीक है, देखते हैं। ये ऑन किया हमने, अंदर आया। अब यहाँ पे पहुँचे और आगे गए, यहाँ तक आए, तो यहाँ तक आने के बाद हम इसको दबाएंगे तो ये बंद होकर ये चालू हो जाएगा, चालू हो गया। अगर और आगे गए, इसको दबा दिया, इसको दबाने के बाद ये देखो इस तरह से ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। और आगे गए, इसको बंद करके हम बाहर निकल गए। ये तो एक केस हुआ। अगर हम चाहते कि नहीं सारा बल्ब मेरा चलता रहे, तो इसी स्विच में ऐसा हो जाएगा कंडीशन, सारा बल्ब चाहे हम ऑन रहे तब भी हो जाएगा। कैसे होगा जरा वो उसको समझते हैं। देखो ये कनेक्शन कैसा है, आपको यहाँ पे स्विच दिख रहा होगा ऊपर नीचे। देखो ये वाला स्विच नीचे है, ये वाला भी स्विच नीचे है, ये वाला भी स्विच नीचे है, और ये वाला भी स्विच नीचे है, देख रहे हो। अगर मैं इस स्विच को ऊपर कर दूँ, देखो दो बल्ब जला, आपको दिख रहा, अगर इस स्विच को भी ऊपर कर दूँ, देखो फिर भी दो बल्ब जल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ सारा बल्ब जले, जितने बल्ब हैं सारे बल्ब जले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टरनेट कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसे चार है ना, तो एक को नीचे रखा हूँ, एक को ऊपर रखा हूँ, ये नीचे है, देखो नीचे दबा हुआ है, ये ऊपर दबा है, इसको नीचे दबाना है हमें, इस तरह से नीचे दबाएंगे और इसको ऊपर कर देंगे, जल गया तीनों जल गया। अल्टरनेट करना है हमें, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ देखो एक ऊपर दबा हुआ, एक नीचे दबा हुआ, एक ऊपर दबा, एक नीचे दबा हुआ, सब अल्टरनेट है, तो तीनों जलेगा। इसमें से कहीं से भी हम ऑफ कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, मान लो जैसे एक जल रहा है ना, हमें तीनों जलाना है। यहाँ से चलते हैं, ये नीचे है इसको कर दिया ऊपर, ये ऊपर है इसको कर दिया नीचे, ये नीचे है इसको कर दिया ऊपर, देखो तीनों जल गया, जल रहा तीनों। तो इस तरह से आप तीनों जला सकते हो। अब हमें समझते हैं प्रोसेस कि इसमें हमें तीनों जलाना है। जैसे अभी ऑफ कर देता हूँ मैं, देखो ऑफ कर दिया मैं, तो अभी समझना है कि नहीं सारा बल्ब जलता है तो प्रोसेस क्या होगा। पहले एंट्री करेंगे तो ये जला देंगे हम, चलो इसको हमने इस तरह से जला दिया, देखो जल गया एक, जल गया एक। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगले वाले को छेड़छाड़ करेंगे। अगर इसको दबा दिया है हमने, हम सारा बल्ब जलाना है हमें, इसको जलाने के बाद हम इसको क्रॉस करके आगे चले जाएंगे और यहाँ दबा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ से जलाए थे हम, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आगे वाले को दबा देंगे, ये जल गया तीनों, आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों जल गया। मतलब अल्टरनेट एक छोड़ के एक हम काम करेंगे ना तो सब बल्ब जल जाएगा। अब फिर से देखो अगर इस साइड से आते हैं, इस साइड से हम आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, आपको स्विच दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ
दिख रहा है, तो इस साइड से आ रहा है, तो ये पहले इसको दबा दिया हमने, इसको दबाया, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के हम आगे वाले को दबाएंगे, एक छोड़ के अगले वाले को हम दबा देंगे, जल गया तीनों। आप एक छोड़ के जलाओगे ना तो तीनों जलेगा, जितने चाहे रहेंगे अल्टरनेट, उसको छेड़छाड़ मत करो, इसको छेड़छाड़ मत करो, उससे अगले वाले को करो, जितने बल्ब रह गए फिर मान लो इसको जलाए, फिर इसको छोड़ के फिर इसको करना, तो इस तरह से सारे बल्ब आपके जल जाएंगे। अगर ऑफ करना है तो ऑफ, सारे सबको ऑफ करना है, सिंपल सा चीज़ है, सबको कर दो क्या ऊपर या सबको कर दो नीचे, देखना बंद हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे, ये ऊपर है, इसको ऊपर कर दिया, चलो एक बंद हो गया, इसको भी ऊपर कर दिया, देखो सभी ऊपर है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, सब बंद हो गया, सब जल रहा है। अब क्या करना है हमको, सबको नीचे कर देते हैं, देखो ये नीचे है, इसको भी नीचे कर दिया और इसको भी नीचे कर दिया, देखो सब नीचे है, बल्ब बंद हो गया। तो ये कनेक्शन आप समझ, इस तरह से वायरिंग करोगे जिस तरह से मैंने बताया, कैसे भी ऑपरेट कर सकते हो इस बल्ब को, बहुत सिंपल है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, इसका दूसरा तरीका बताऊंगा वायरिंग करने का, जी हाँ, जो वायरिंग होगा इसी बल्ब कनेक्शन में, दूसरा तरीका बताऊंगा कि किस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने टू वे स्विच का बताया था ना, जीना बगे में सीढ़ी बगे, कि हम छह तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, छह अलग अलग तरीके से, उसी तरह इसका भी हम जो हॉल है, जो गोदाम है, इसका भी एक और तरीके से हम वायरिंग कर सकते हैं, तो उसका कनेक्शन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी और वीडियो में अलग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।